विदाई का कोई मैसेज देना चाहेंगे जाते वक्त, कोई शब्द दुख भरे आंखों में पानी लेके? पेंजी दोबारा ना आए जो पूरी धुंध हो रखी है यहाँ पे, पूरी धुंध हो रखी है। फ्रेंड्स रात के कितने बज रहे हैं मोटू? रात के 2 बज रहे हैं और हम यहाँ तेरे की जुल्फे देखो कैसे झटकी है। जीजू का जो पेट है ना, ये देखिए अलग से देख सकते हो जो उन्होंने अंदर कर लिया। ये देखिए गाइस सनरूफ का मजा ले रही। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और आज हम ये एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये एक्सप्लोर करेंगे और ये लोग ये सब चल रहे हैं। ये देखिए ये एक्सपोज करने की कोशिश चल रही है इनकी। तो आज हम ये एक्सप्लोर करेंगे, चलते हैं अंदर दिखाते हैं आपको। तो अब यहाँ पे फोटो सेशन होगा। हाँ भाई कराओ फोटो, पहले मियाँ बीवी खड़े होंगे। जाओ भाई, आज मैचिंग मैचिंग किया हुआ दोनों ने, मैचिंग मैचिंग बेज 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 ओ पीछे देख बेज एंड ब्लैक बढ़िया लग रहे हैं। नाइस और यहाँ पे इस तरह से स्पेस बनाया हुआ है कि आप फोटोज़ वगैरह भी ले सकते हो। ये जो जगह है ना ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ये जीरकपुर में है, काफ़ी फेमस है। अगर आप चंडीगढ़ से हैं, जीरकपुर से हैं, तो आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं हैं तो अगर चंडीगढ़ आते हैं तो यहाँ पे आप एक बार एक्सप्लोर करने के लिए ज़रूर आएँ। काफ़ी अच्छा लगा स्पेस मुझे, काफ़ी सारा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। बाहर पूरी शॉपिंग मार्केट है, फूड मार्केट है, बच्चों के लिए बहुत कुछ है और फोटो सेशन तो चल ही रहा है। जिस तरीके से हम रेडी होकर के आ तो गए हैं, लेकिन सबसे पहले लगी है बड़ी ज़ोर से भूख और भूख के लिए सबसे पहले खाएंगे खाना या जो भी स्नैक्स हम खाएंगे। और उसके लिए हम ढूंढ रहे हैं कि क्या एक्सप्लोर किया जाए, कहाँ पे खाना खाया जाए, कहाँ पे चल के हम लोग एक्सप्लोर करें फूड। तो डिसाइड कर रहे हैं अभी कि कहाँ जाना है, क्योंकि काफ़ी सारी वैरायटी है यहाँ पे, चाइनीज़ से लेकर के इंडियन से लेकर के देसी सब कुछ है। तो चलिए पहले करते हैं पेट पूजा क्योंकि बहुत ज़ोर से लगी है भूख, उसके बाद चलेंगे एक्सप्लोरिंग पर। फाइनली हमें बर्गर किंग दिख गया है। अब हम जा रहे हैं कुछ पेट पूजा करने। सिमरन आज बर्थडे की पार्टी दे रही है हमें, खिला रहे हो ना? बोल तो दिया। ओ हेलो, प्रेम सहित बोलो, प्रेम सहित। प्रेम सहित बर्गर किंग में पार्टी दे रही हूँ। वेरी गुड, अभी इसने व्लॉग में बोल दिया है तो मतलब यही पे करेगी आज। चल उधर चलो, ये चल उधर आगे। ये आ गया हमारा मैकडी मील, इधर आ गया है अभी इन लोगों का मैकडी, कह रही हूँ सॉरी, बर्गर किंग मील इनका भी अभी आ ही रहा है, इसे करते हैं एंजॉय। हाँ मैडम, कैसा था मील आपका? मैडम ने तो टंगड़ियाँ खाई है, टंगड़ियाँ हैं कराया तुमने? क्या अब क्या ऑर्डर करके आई है तू? अब क्या ऑर्डर, हेलो अब क्या ऑर्डर किया है? क्या ऑर्डर किया यार, तुम बस नहीं करते क्या यार? बाबू मैंने कुछ नहीं किया यार, उंगली लगा रही थी। देख भी लो यार, तुम हाथ किए जा रहे हो, अरे तो बैठ रही है यार। क्या ऑर्डर किया है, फिर से टंगड़िया खाओगे तुम? अब बस अब खा लिया, कह रही है इतने भी नहीं है। क्या नहीं है इतने भी, इतने गुस्से में कहाँ आ रही हो? हम तुम्हें वायरल कर देंगे। देखो अपनी दादी पे गुस्सा आ रहा है ना, सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतर। दादी माँ मान गई तेरी? ये देखिए गाइस सनरूफ का मजा ले रही। वाह यार क्या इतना मस्त एक्सपीरियंस है ना। ये देखिए शॉपिंग टाइम शुरू हो गया और यहाँ पे खूब सारा। अब हम कौन सी मार्केट आए मोटो? हम आए 3B2 मोहाली की मार्केट में घूम रहे हैं अब हम। और जो है यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ज्वेलरी भी बहुत अच्छी अच्छी है यहाँ पे, इयररिंग्स ये देखो कितने सुंदर है। ये देखो यहाँ पे हर तरीके के इयररिंग्स मिल जाएंगे। कुछ डिफरेंट लगा मुझे यहाँ पे, ऐसे नॉर्मल तो मैं आपको इधर भी दिखा देती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स हैवी वाले हैं
एंड इधर जो है इधर झुमकास भी मिल जाएंगे आपको। इधर आपको सारा ये सामान मिल जाएगा। कुछ समझ आया? हाँ देख रहे हैं कुछ ना कुछ। क्या समझ आया? रिंग्स देख रहे हो? देख लो आपने कौन सी कुछ पसंद आ रहा है ट्राई करने से पता चलेगा ना। ये तो देख रहे हैं, लो करो ट्राई। ट्राई करने के लिए सिलेक्ट करते हैं। कौन से? ये वाले ज्वेल जो मैंने तेरे को कपड़ा दिखाया था अभी, ये वाले? कौन से? नहीं उसके साथ तो अच्छे से लेंगे, देख लेंगे। तो अब हम देना है पेट। अब हम कहाँ पर आए हैं? अब हम आए कुलचा पटोला पे। अब हम कर रहे हैं डिनर और ये खिलाने आए स्पेशल हमें कुलचास विद छोलास विद छोलास विद मसाला कोक। दो मसाला कोक। अभी मेन्यू देखा जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है क्योंकि हमें तो यहाँ की स्पेशलिटी नहीं पता है। एक मोजिटो कर दो बस। मोइतो मोइतो कौन सा? यला पटाका है। कौन सा मोइतो? ये पटाका। इसमें क्या फ्लेवर्स होते हैं? पटाके बजते हैं मुंह में। ये तो वर्जन मोइतो लग रहा है, नॉर्मल वाला लेमन तो करेंगे। रुको हाँ जी मैम, ओके स्वीटर वर्जन है उसका। ठीक है यही कर दो। अगर आप सोया पसंद करते हो सोया क्रिस्प भी है हमारे पास। आप नहीं नहीं इसने कुछ और नहीं, ये तो खाना ही कुछ चिकन ऑर्डर नहीं करना। मैं पहले बता और नहीं थी हमने नहीं कर रहा मैडम, मैं आपके पास अकेला आऊंगा खाने चिकन वाला। मैंने क्योंकि मैं 3-4 बारी आ चुका हूँ, मेरा नहीं खाया। खाने नहीं देती है तो यार वो नहीं खाती ना, तो कंफर्टेबल नहीं है वो। नहीं हमने नहीं करना। मैंने कहा अभी तो खा के आए। हाँ सही बात है, चिकन ही खाया अभी तो खाया। सही कह रहे हो वो, मैंने कुछ गलत। चलो कोई नहीं, आप यही मंग वो जो ये वो छोड़। ठीक है चलो आता है फिर आपको दिखाते हैं। ये आ गया जी हमारा। ये कौन सा वाला है कुलचा? मिक्स वेज। मिक्स वेज और पेरी पेरी। पेरी पेरी पनीर कुलचा। ये पेरी पेरी है, ये मिक्स वेज है। तो और ये हमने मंगाया है मोइतो और ये मंगाया है मसाला कोक। तो बस ये है पेरी कोना। कौन सा कोना? कौन सा कोना है ये? पेरी कोना। पेरी कोना पेरी पोना नहीं पेरी कोना। तो चलिए इसे करते हैं एंजॉय, मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। मेरे को वैसे भी भूख नहीं है, थोड़ी देर बाद खाऊंगी, अभी मन नहीं है मेरा। फ्रेंड्स हमने इतना सारा खा लिया, ये देखो ये देखो। ओ हो 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 हो, इतना सारा खाने के बाद अब ये डकारे ले रहे हैं बैठ के। हाँ जी ये तो सैर भी कराए, कह रहे मैंने इतना खा लिया पचाने के लिए सैर करने जा रहा हूँ बाहर। ओ देखो ये तो ये गंदी गंदी गैसेस भी छोड़ रहे हैं। चलिए इनसे दूर आप, इधर पूछते हैं टेस्ट कैसा था। मोटो तुम तो ऑब्वियसली पहले आए हो तो तुम्हें तो टेस्ट अच्छा ही लगेगा। आपको मैडम, आप तो फर्स्ट टाइम आए हो। ऐसे ये नहीं पूछा फर्स्ट टाइम आई हो तो वो टेस्ट पूछा। ये जो इनके जीजू है ना, इन्होंने इनकी बेइज्जती कर दी है। अब आप फर्स्ट देन रिवर्ट ना, ओ तेरे की जुल्फे देखो कैसे झटकी है। तो ये करने के लिए एक मिनट बैठ जाओ इधर आ जाओ। अरे सुनो, ये करने के लिए 10वीं पास और फेल में क्या फर्क पड़ता है यार? हमारे आगे नखरे दिखाएंगे ऐसे क्योंकि मैं 12वीं पास हूँ। ये हो सकता है। ओके अच्छा है। वैसे अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 9:50 बज रहे हैं। हम कितने बजे निकले थे घर से? हम निकले थे नहीं नहीं 5:20 पे। 5:20 पे हम लोग ने ऑटो लिया था, मुझे भी याद है। हम नीचे खड़े थे जब ऑटो आया था, 5:20 पे ऑटो लिया था। और अब देख लो टाइम कितना हो रहा है, 9:45 में पता भी नहीं चला। अभी हमें पूरी रात बाहर रहना है, पूरी रात बाहर रहना है। ऑलमोस्ट सुबह के 3-4 बज जाएंगे है ना, आते आते घर। और इनको देखिए जीजू को अभी से नींद आनी शुरू हो गई है। हाँ भाई जीजू, जीजू का जो पेट है ना ये देखिए अलग से देख सकते हो जो उन्होंने अब अंदर कर लिया है। ये देखो अंदर करने से पेट कम नहीं हो जाता। जो ये इनकी बीवी है ना, भर भर के जो प्रेम पूर्वक खाना खिलाते हैं ना, ये उसका असर है ना। बहुत ध्यान रखते हो आप इनका। बहुत बनाते हैं। अब हम आए हैं मिनी सो।
यहाँ पे ना क्यूट क्यूट सी चीजें मिल रही है। अच्छा गिफ्ट लेकर आए थे? हाँ। चलो आओ फ्रेंड्स, हम आपको एक्सप्लोर कराते हैं मिनी सो। ये क्या था? यहाँ पे किट्स मिल जाएंगे इस तरह की। ठीक है, लिप बाम से नहीं है, वो है बोको 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 नोट है वो। सो गाइज, अब हम आए बेस्ट एक्स स्क्वायर मॉल मूवी देखने के लिए, पंजाबी मूवी सेक्टर 17 ही नाम है ना मूवी का। हाँ। तो अब हम वही मूवी देखने के लिए आए हैं, और ये मैडम भी आई है हमारे पास, और दो जो हमारे ड्राइवर साहब है वो नीचे गाड़ियाँ पार्क करने गए हैं। तो जब आते हैं तो चलते हैं। और इस टाइम ना यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी ठंड हो गई है, तो अभी चलेंगे अंदर, और ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, 11 बजे का ही टाइम है मूवी का। तो चलते हैं और बीच बीच में मूवी के सीन्स आपको थोड़े से दिखाएंगे और इंजॉय तो करेंगे। क्यों भाई, कहाँ घुसे हो फोनों में? बस आपको बताइए, जरूरी काम चल रहा। जरूरी काम। सो गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही है। एक्चुअली एक्टिवा पे आया ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो चलते हैं अंदर, अंदर थोड़ा कोजी होगा, वहीं चल के फिर बात करेंगे। तो ये आ गए जी हम मॉल के अंदर। इस टाइम तो कोई भी नहीं है, मोटो हम अकेले ही घूम रहे हैं मॉल में। हाँ अभी तो 11 बज गए यार, मॉल में कोई नहीं होगा। फिर देख लो गाइस, थोड़ी सी डेकोरेशन भी है यहाँ पे मॉल में, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे डायनासोर बना हुआ है, पर ठीक है यहाँ पे कोई है ही नहीं तो क्या ही दिखाऊँ गाइस, कोई बंदा नहीं है। मूवी के प्लेस पे चल के देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे सोने आयो? देख काम देख ले इसके। हाँ जी बताओ कैसे करोगे आप, ये देख लो, ये मैडम दिखा रहे कि मैं VIP सीट पे ऐसे फैल के सोऊंगी आज। फिल्म देखने आयो, सोने आयो? तो गाइस देखो पूरे थिएटर में कोई नहीं है, है कुछ एक लोग बैठे हैं, और हम यहाँ मूवी देखने आए हैं और इधर आराम से VIP सीट्स का मजा ले रहे हैं। चलो फ्रेंड्स, रात के कितने बज रहे हैं मोटो? रात के 2 बज रहे हैं, और हम यहाँ अब मूवी फिनिश करके आए हैं सेक्टर 17। और मूवी अच्छी थी, मतलब अगर मार धाड़ है उसमें, लेकिन स्टोरी भी है, बहुत अच्छी लगी हमें। और इधर ये आ गई हमारी तीसरी मैडम। हाँ तो? तो हम वॉशरूम में लगे हैं वीडियो शूट करने, बाकी लोग बाहर वेट कर रहे हैं। तो बस चलते हैं, और अभी अभी हम दोबारा से अभी कहीं और भी जाने वाले हैं, अभी बिल्कुल भी नाइट आउट फिनिश नहीं हुआ, अभी हम कहीं और भी जा रहे हैं। तो चलते हैं फिर, आपको वहीं लेके चलेंगे और आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। बूढ़े बूढ़े लोग आए हैं चाय पीने। हाँ हेलो, चाय पीने आए हो आप? ये बुजुर्ग आए हैं, ये बुजुर्ग को लेके आए हो आप? आपको पुल लगेगा, बुजुर्गों को चाय पिला रहे हो आप? ठीक है। और हम कहाँ पर आए हैं चाय पीने? चाय सुट्टा बार। कहाँ है चाय सुट्टा बार? अब हम अब हम आ गए हैं इस मैडम का केक कट करने और चाय पीने, और रात के बज रहे हैं पौने तीन बजे, और इस टाइम पौने तीन बज रहे हैं, और पूरी धुंध हो रखी है यहाँ पे, पूरी धुंध हो रखी है। तो ये हमने चाय पी है, कौन सी चाय है मोटो? ये रोज चाय है, जो रोज टी है, और वो चॉकलेट टी है जो माचो पी रहे हैं। स्ट्रीक नहीं बनाई यार, ये लीजिए जी हमारी सिम्मी का बर्थडे केक आ गया। उस पे क्या लिखा है? ये ओए लक्की लक्की, ये किसने लिखवाया? इसने लिखवाया माचो, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है शी इज वेरी लक्की। अच्छा सच्ची में सिम्मी यही मतलब है? मोटो क्या मतलब है इसका, मतलब तो बता दो यार। फोटो खींचती करूं है? लक्की लक्की ओए का क्या मतलब है? ओए लक्की लक्की ओए की बड़ी स्टोरी है, वो पूछते हैं क्या सीन है इसका। चलो जी केक कटिंग शुरू करेंगे, बनाओ ना जल्दी, मुंह बना अच्छे से, उस साइड से दिखेगी ना फोटो। भजीजा साली दिख रहे हैं, जीजू और साली। साली दिखाओ अभी, आप केक कटिंग करने दो, दिखाइयो। कैंडल ले आई तू? माचिस ले आई है? माचिस नहीं मिली,
फुल है, फिर कैसे कैंडल निकाल देंगे? है भाई आपके पास माचिस, लाइटर माचिस ले आएंगे, उनके पास तो होगा ही। वो कैंडल लगाई थी वो कहाँ है? भाई बता दे, हो भी नहीं है। मैं हाँ चल इधर, तू मुंह बनाती रहे गंदे गंदे, होते रहे गंदे गंदे, सर पे रख ले। मैं हेल्प करती सर पे रख नहीं ना, ये निकाल दे, देखना इसके काम। ना रान दो, ये भी खाना है क्या इसको? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे क्यों क्यों, हैप्पी बर्थडे क्यों क्यों क्यों, हैप्पी बर्थडे क्यों क्यों, हैप्पी बर्थडे क्यों क्यों, क्यों आपको क्या पहले आप खाओ। और ये पूर्णिमा जी केक काटते हुए, पूर्णिमा जी ओहो मैं गलत कह गया, सिमरन जी मैं गलत कह गया, सॉरी गाइस, ए सिमरन दा बर्थडे सीगा, सॉरी गाइस, वो तो तैयार है। एक्चुअली मैनू ब्लॉग बनाना नहीं आंदा, इस करके मेथों गलती होगी। कोई नहीं, ए ब्लॉग साडी ओदा की कहंदे ने हरफन मोला मैडम दा हैगा। कौन सी मोला? सो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने मोटो की और मयंक की शादी की जो है मूवी है वो भी लगा के टीवी पे देखी थी पूरी, इनकी वेडिंग जो मूवी है वो चलाई थी और बड़ा मज़ा आया। बहुत सारे मोमेंट्स थे जिसमें हम हंसे भी, इंजॉय भी किया, हम लोगों ने खुद को भी देखा। तो इनकी शादी को अब ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है, बहुत अच्छा टाइम था। सो गाइज टाइम टू सी यू अगेन, आपको आप भी बाय बाय कर रहे हो? बाय बाय कर रहा हूं, मैं यही रहूंगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। ठीक है, वेरी गुड, मैं बहुत खुश हूं। गाइस तो आप जल्दी आना वापसी, इस बार हम कहीं बाहर का प्लान सोच रहे हैं तो वहीं मिलेंगे। ठीक है, वहीं मिलेंगे, साथ चलेंगे, अरे मतलब वहीं पे मिलेंगे, मतलब वहीं पे मस्ती करेंगे। तो इसी के साथ आज का मौसम आपको दिखा दें हम, बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है। हमारी कैब जो है वो अभी तक नहीं आई है, आने ही को है बस। तो आप हमें विदाई का कोई मैसेज देना चाहेंगे जाते वक्त, कोई शब्द दुख भरे आँखों में पानी लेके? पेंजी दोबारा ना आए नहीं, ऐसे बोलना चाहेंगे आप? नहीं आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बोल सकते हैं? तो क्या बोलना चाहेंगे फिर? कोई दुख भरे शब्द का? मैं दुख भरे नहीं है, मतलब आप खुश हो हमारे जाने से? खुश हो आप हमारे जाने से? बिल्कुल, हमने एंजॉय किया, हम दुखी क्यों होंगे? दुख क्यों है? अरे यार बंदा जा रहा है, थोड़ा दुख तो जताओ। नहीं हमें दुख नहीं है, हमें सुख है कि चले गए, हमें एक्स्ट्रा भांडे नहीं मारने पड़ेंगे कि चलती जाओ बस, मुझे ड्यूटी जाना है। बात तो सही कह रहा है, पॉइंट है। वैसे इनकी ड्यूटी का टाइम हो रहा है और हमने बहुत टाइम ले लिया इनका। नहीं अभी है टाइम, अभी तो मैंने वहाँ कटिंग में। अच्छा, ऐसे ही बातें में लगा के बैठ जाते हैं, हमारा दिल ही नहीं करता हिलने का। अभी तो मोटो होती है, देख रहा उसका मन नहीं था सुबह जाने का, बड़ी मुश्किल से गई है वो आज ड्यूटी पे। कह रही थी, कहती यार मैं 9:30 बजे चली जाऊंगी, बहुत मुश्किल से टाइम तो स्पेंड कर लोगे, थोड़ा टाइम मिल जाता ना, और वो होती फिर तो और वो उसका मन नहीं था सुबह। चलो कोई नहीं, मजबूरी है, फिर आ जाएंगे हम। आपका नाल चक्कर कब लगेगा आपका? फ्राइडे आ जाएगा। अच्छा,